हाय, सो इस वीडियो में हम परमुटेशंस देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि परमुटेशंस का मतलब क्या है। परमुटेशंस का लिटरल मीनिंग है अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास तीन लोग हैं एबीसी, आपको उन लोगों को क्यू में खड़ा करना है, लाइन में खड़ा करना है, तो आप कैसे खड़ा कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि एबीसी, एसीबी, BCA, BAC, CAB, CBA, ओके? तो ये आपने तीन लोगों की तीन जगह पे क्यू बना दी, या तीन लोगों को तीन प्लेस पे अरेंज कर दिया, राइट? अब आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि यहां तो पहला बंदा फिक्स है, सेम है, लेकिन बाकी दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं। तो अरेंजमेंट्स में जो रिलेटिव पोजीशंस हैं वो मैटर करती हैं कि मेरे जस्ट पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है। अगर मेरे पीछे वाला बंदा चेंज हुआ तो दैट इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट। अगर मैं ए था, मेरे पीछे वाला बंदा बी की जगह सी हो गया, तो दिस इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट, राइट? अब अगर मान लीजिए यहां पे तीन की जगह चार लोग होते और आपको इन्हें अरेंज करना होता, तो पहले आप लिखते ए बी सी डी, फिर ए के साथ बी को फिक्स किया, फिर यहां सी को फिक्स किया, फिर यहां पे बी को फिक्स किया, तो ए को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हुए आपके पास सिक्स केसेस आते हैं। क्या ए में कोई खास बात है? नहीं है। तो जैसा ए है वैसा ही बी है, वैसा ही सी है। आप यहां देख सकते हो जितने केसेस ए को पहली पोजीशन पे रख के आए हैं उतने ही बी को आए हैं, उतने ही सी को आए। तो यहां पे ए के सिक्स केसेस आए हैं, बी के भी सिक्स आएंगे, सी के भी सिक्स आएंगे और डी के भी सिक्स आएंगे। यहां पे टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे 24, राइट? अब मैं अगर इस चीज को विदाउट मेकिंग ऑल द केसेस करना चाहूं, उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आप जितने प्लेस हैं आपके पास, यहां पे कितने हैं, फोर प्लेसेस, आप उतने ब्लैंक्स बना लीजिए। यहां पे कौन कौन आ सकता है आप देखो, यहां पे क्या क्या हमारे पास चॉइसेस हैं। तो यहां पे ए बी सी या डी में से कोई भी आ सकता है, तो वी हैव फोर चॉइसेस। अगर ए बी सी डी में से आपने किसी को वहां पर बैठा दिया तो आपके पास नेक्स्ट प्लेस के लिए तीन चॉइस बचेंगे, उसके बाद दो, उसके बाद वन, तो आपके पास आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24, विच इज सेम, राइट? अगर बाय चांस यहां पे आपके पास पांच लोग होते, अगर आपके पास पांच लोग होते और आपको इन पांचों को क्यू में खड़ा करना होता, तो आप कैसे करते? आप पांच ब्लैंक्स बनाते। यहां पे कितनी चॉइस है आपके पास इस जगह पे? 5, फिर 4, 3, 2, 1, 5 फैक्टोरियल। मान लीजिए आपके पास पांच लोग हैं लेकिन आपको पांचों को क्यू में नहीं खड़ा करना है, आपको सिर्फ उनमें से तीन लोगों को क्यू में खड़ा करना है, आपको क्यू बनानी है सिर्फ तीन लोगों की, तो 5 पर्सन मेकिंग ए क्यू ऑफ 3 पीपल ओनली। तो आप यहां पर तीन ब्लैंक्स लगाएंगे, फर्स्ट प्लेस पे आपके पास 5 चॉइसेस होंगी, बिकॉज ए बी सी डी में से कोई भी आ सकता है। जो बंदा यहां पे बैठ गया वो यहां नहीं आ पाएगा, तो यहां चॉइस कम होगी और यहां पे एक और कम होगी, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 60। इस तरीके से हम काउंटिंग थोड़ा तेज करेंगे। आप देख रहे हो फैक्टोरियल जनरेट हो रहा है, इसीलिए हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फैक्टोरियल क्या होता है, राइट? अब हम इसका एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं और ये जो चीज मैं बार बार कर रहा हूं इसको जनरलाइज करते हैं। लेट्स से वी हैव एन डिफरेंट पर्संस या एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वी हैव टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ दीज एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। तो जैसे पांच में से हम तीन लोगों की क्यू बना रहे थे, अब एन में से आर लोगों की क्यू बनाएंगे। तो क्योंकि हमें आर एट ए टाइम लेना है तो यहां पे स्पेसेस कितने आएंगे? आर। फर्स्ट प्लेस पे कितनी चॉइसेस हैं? तो आपको देखना है व्हाट इज माय नंबर ऑफ चॉइसेस। आई कैन टेक एनी वन ऑफ देम एंड पुट दैट थिंग इज हियर। तो यहां पे एन चॉइस है, यहां एन माइनस वन है, यहां एन माइनस टू होंगी और यहां पे होंगी
n माइनस आर प्लस वन। देखिए सेकंड पे आपने एक कम सब्ट्रैक्ट किया है या टू सब्ट्रैक्ट करके एक जोड़ दिया है, थ्री पे मैंने थ्री सब्ट्रैक्ट करके एक जोड़ दिया है, तो ये कौन सी है, ये कौन सा प्लेस है, दिस इज आर एथ प्लेस n माइनस आर प्लस वन। इन सब का जो मल्टीप्लीकेशन है हमने फैक्टोरियल वाले वीडियो में देखा था कि बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग अप टू वन आई कैन नॉट राइट दिस इज n फैक्टोरियल, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। अब ये वन से लेके आर माइ एन माइनस आर फैक्टोरियल ये और उसके बाद वाला ये, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको बोलेंगे एन पी आर। पी फॉर परमुटेशन, परमुटेशन और अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, परमुटेशन ऑफ फाइव डिफरेंट थिंग्स टेकन थ्री एट ए टाइम। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे आपका काम बन जाएगा। जैसे अगर ये फॉर्मूला मैं यहां पे लगाता हूं तो 5p3 is equal to 5 factorial upon 2 factorial, 5 factorial होता है 120 by 2 is 60 which is the same thing। ओके, अब हम आगे बढ़ते, इसी फॉर्मूले को हम जनरलाइज करते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, of n different things, n different things taken all at a time, सारी की सारी चीजें आपने उठा ली, so n different things taken all at a time will be npn, which is n factorial by 0 factorial, by definition 0 factorial is 1, इसका आंसर आ जाएगा n factorial। तो इन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे और इसके एग्जांपल्स करेंगे। दोबारा से एक बार रिवाइज करें, एन डिफरेंट थिंग्स, यहां पर डिफरेंट जरूरी है, अगर उनमें से कुछ चीजें एक जैसी हो गई तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या लगेगा आगे लेक्चर्स में आएगा, पहले हम डिफरेंट के बारे में पढ़ें। एन डिफरेंट चीज में से आर को अरेंज करना हो, तरीके आते हैं एनपीआर और एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और जब सारी चीजों को अरेंज करना हो तो आंसर आएगा एन फैक्टोरियल।